चाचा बख्शू घड़े जो प्याला पानी दे दे। जिस किसान की खेती खुश्क हो उदे घड़े च पानी किवें रह सकता है पुत्रा। जालम जागीरदार हाशम ने मेरे हिस्से का पानी अज भी अपनी जमीन नू ला लिया है। उधर वेख उदियां जमीन किवें हरिया भरिया ने ते मेरा इस जमीन का छोटा जिहा टुकड़ा उजड़िया पुजड़िया है। ते चाचा तू कह देना सी वो तेरे से दा पानी ना वड़दा। जे मैं जागीरदार नू पानी वड़न तो रोकदा पुत्रा तो उन्हें मेरा घाटा वड़ देना सी। जागीरदार बड़ा जालम है पुत्रा। जागीरदार जी यकीन करो जे सारी मेरे जमीन नू पानी ना मिलिया तो मेरे बच्चे भुखे मर जाएंगे। मैं तेरे बच्चे ने ठेका लिता है। जे तू तो हुण पानी वड्या तो मैं तेरे घर ला लेगा। मैं भुख लगी है रोटी दे। आ पुत्र मैं कदों की रोटी रख के तेरा इंतजार से कर लिया। अकबर पुत्र आ तू रोटी खा ले। ला भी नेक वक्त मैं जरा जमीन से चलिया जागीरदार नाल पानी का रफड़ पै गया। खाता रफड़ पर वारी साड़ी ते उन्हें सुनेहा कर लिया कि पानी उठ आएगा। मैं हमने वेद गल करके आना। वेखना बड़ा पैड़ा बंदा जी कितने झगड़ा ना कर बैठा। तुम फिक्र ना करो चौधरानी जी मैं अपने मालक नु लड़न नहीं देंगा। अरे यार तेनू किन्नी वारी आख्या तू सानू मालक ना क्या कर। असी तेनू काम आने अपना पड़ा बना के रखे है। ये थोड़ी मेहरबानी है चौधरी जी पर वे कह गए ने बंदे नु अपनी औकात नहीं भुलनी चाहिए। औकात क्या पुत्रा बहुत ही बक बक ना करा कर। जा जाके डगरा नु बैठे पा ते मैं इंज पानी डाके आना। छोटे बंदे को पूछना भी इस हवेली की बेइज्जती है। चौधरानी इस हवेली की इज्जत एक पास रही साढ़े सामने जरा सिर चुके लंघे असर सिर ला दी है। जे रहमत ने सिर चुकन की गलती कर लीती है ते शाम नु ओदा पानी वड़न दे बजाय हुणे जाके वड़ जाओ। गल करे ते ओदी जीभ खिच लो हाथ वधाए ते जिस्म कोलो बात कर जाओ। मुंशी अरे मुंशी हुकम जागीरदार साहब सारे रात चल। जे रहमत ने अपनी मौत नु वाट मार रही है ते फिर असी क्यों देर करिए। पानी दीवारी आज मेरी हो हाशमा और असी तेन हुक्म भेजा सी कि पानी साड़ी जमीन लगना चाहिए। और मैं कोई तेरा कमी कमीन नहीं जरा तेरा हुक्म मनना। और मैं तेरे हुक्म दे मुंह ते ठुकना। ए समझ के हाली भी पानी डस लै मेरा वजह हाथ को नहीं डस सकता। और ले फिर मेरे जुलम का हाथ तेरे वाल बदल लगाई जे हिम्मत आई तो डक लै फड़ लो इनू। अपने आका तो अपनी जान कुर्बान कर दे और इस तो बड़ी खुशकिस्मत और की हो सकती है। चौधरी साहब एदे हुक्म ने मुंह तो तुसे तो किया एदे जुलम दियां बाहां मैं टकियां ने हुण हुक्म तुसे सुनाना है। चौधरी जी
जी। मेरे मालिक का खून खतरे से, मेरे खून का आखिरी कच्चा तक की जाया हो जाए। जे आ ही गए तो अपने मालिक दे जनाजे नूं अगां वध के कंधा ही दे लै। जनाजे नूं कंधा देना इन्ना जरूरी नहीं है, पहलों अपने मालिक का हिसाब चुकाना। ये तो आधा ही काम है आली जा, कत्ल अपने को हो जाए तो मुद्दा ही नहीं रहन देना, ते जे खाना पूरी करनी पै जाए तो एक दो कामे अपने फरवा देने। सानू अपने कामे की जमानत करानी आती है मुंशी, खुशी तो इस गल की है कि रहमत का जनाजा वेख के इस पिंड की आस पास के सारे पिंडा साड़ी दहशत फैल गई है, ते अगो तो किसी ने भी साढ़े सामने सिर चुकन की जात पैदा नहीं होगी। अपने मालिक का हिसाब चुका रहा जकीर तारा, जिना दे मालिक हिसाब चुकायो बगैर मर जा, वफादार कामे वापस तो जाओ, जिन्ने पैर चुकेगा मैं तेरे सीने जाके चोलिया मारागा। मैं अच अपने मालिक का उधार लाने लिए आया वा, तेरिया गोलियां मुक जानगियां पर मेरे सारे मुकन गया।
तेरे सामने खलो गया मनु पैदा करने वाले की कसम ही अच मैं तेरे खून दिया चिट्टा और अपने मालक की कवक से सुस्त नहीं जरूर आए मैयत नु कबर च लाण तो पहला एक कामे नु अपना फर्ज पूरा कर लैण दियो मैं कसम खाती हुई है जगीरदार हाशम दा लहू अपने मालक दे कफन नु लाना जरूर है ए सोच के पूछला मालकन के तेरे सिर दे साइड नु कबर च पाण तो पहलो मैं जगीरदार नु माती नहीं दसवाया वा ते हुण अपने आप नु कानून दे हवाले करन तो पहलो तुहानू ते तुहाडे बच्चां नु किसी महफूज जगह ते पहुंचाना चाहना वा हवेली का बुआ खुला ही ते मेरिया नजर उस वेले तक इस बुए नु वेखदिया रहंदिया जदों तक तू ना दे ते अकबर दा सिर नहीं ले आंदा आओ मेरे नाल अपनी जान की परवाह ना करके अपने मालिक की लज पाली है मेरे सिर से तू हथ रख देता भरावा जे किधरे दोवे दुश्मन के हथे चढ़ गए तो फिर क्यों होगा यह सोच के अपने अथरू पूंजते भैन मेरीये कि जिस मालिक का ऐसा वफादार कामा हो अपनी जान ते दे देगा पर तेरे पुत्र का बाल भी विंगर नहीं आ देगा
तू फिकर ना कर मां, मैं अपने भरा नादू नू आप लग के लाना। मैं भी तेरे नाल चलांगा भरावा, सौ सुनहार दी ते एक लोहार दी। ओ तुहानू जान दी की लोड़ है बई, मैं आप उन्हां नू लब के लियावांगा। बिल्लू जा तू अपने भरा अकबर नू लैके दुकान ते चल, जा पुत्र अकबर। हाँ यार तेन लोहारा काम सिखाइए। भैन मेरी दुश्मन तो बचन वास्ते तेन हूं इतने बानू नहीं जनते बन के रहना पेगा, ते ऐवें दिल ते ना ला हौसला रख। रहमत दे कामे दी जागीरदार होरां नाल दुश्मनी की सी? पैरे बंदे चंगे बंदे नाल दुश्मनी आप पा लैंदे ने थानेदार जी। रहमत दी बीवी बानू अपने काम नाल खराब सी, इस गल दा रहमत नूं पता लगा ते कामे ने उहनूं कतल कर दिता। ते जिस वेले कामा बानू ते उहदे बच्चियां नूं लैके नसण लगा ते मेरे सिर दे साई ने इस पिंड दा जागीरदार होण दी हैसियत विच उहदी राह डक्की ते जलील कामे ने मेरे खामी नूं भी कतल कर दिता ते लाश भी गायब कर दित्ती। बड़ा फटा मुजरम निकलिया। कामा चाचा मन्नू बड़ी सज भूख लगी है। भूख लगी है नादर पुत्र, तू इत्थे खलो ते मैं हुण तेरे लिए रोटी लैके आना। मैनू इंज लगता है जिवें मेरा पुत्र बाहर खेडन गया है ते हुणे आके तेरे नाल बह के रोटी खाएगा। मैनू बड़ी सख्त प्यास लगी, खुदा दे वास्ते मैनू पानी पिया दो। तेनू ये समझ के पानी पिया दो, बकरे की गली से छुरी फिरन तो पहला तेनू ही पानी पिया देगा। चंगा मुंशी जी। Thank you.
खाली तेरे जख्म ताजने। ओए इना जख्मां दी ते मैनू कोई परवाह नहीं चदराणी। दुख देस करदा है कि जलील कामा जिंदा बच के निकल गया। ओ जिंदा बच के निकल गया ते मैं कानून नु मौत बना के ओदे पीछे ला दिता है। तू कानून नाल झूठ बोल के चंगा नहीं कीता चदराणी। जिस दिन कानून नु ये पता लग गया कि मैं अपने आप नु तहखाने च लुकाया है उस दिन कानून दा फंदा तेरे गल च भी पै सकता है। कानून दा फंदा सिर्फ और दलील काले दे गल विच पैगा। मैं तेरे को मदद लैनी पनाह लैना है रखिया। ओए तू यार जान मंगे ते ओ भी आदर। ओए जान ते मैं जिदी लैनी सी ले आया वा। तू मेरी मालकण दे लबण तक मेरे मालिक दे निशाने नु अपने कोल रखना रखिया। ओए इंदी ते तेरी हिफाजत ओए असी अपनी जान कोलो वध करांगे। आ तू सिर्फ नादर दी हिफाजत करनी है। अपनी जान दी हिफाजत मैं आप कर लांगा। अपने आप नु कानून दे हवाले करना ते अपनी मालकण नु लभना दोई ते मेरे फर्ज ने। अपनी मालकण नु लभण तक मैं कानून दिया नजरा तो बच के जिंदा रहना है। ते बच के जिंदा रहने का एक ही तरीका है। मैं तो लुटन नहीं आया। मैं सिर्फ इन्ना पूछना आया वा क्या 15 बजे पहले ऐसे कोई लुटी फुटी बानो तो नहीं आई। नहीं धारिया बानो ना दी कोई औरत नहीं रहने। चलो हर डाका मारन तो पहलो तू बानो दा जरूर पूछना। बानो नहीं लभी तेरी आस भी नहीं टूटी। माजू जब तक मेरी जिंदगी है मैं अपनी मालिक नु लभते रहांगा। ओ केड़ा पिंडे सरदार जिथे असी नहीं गए पर ओ बानो बेचारी खबरे जिंदी है कि मर गई है। मालिक जिंदी जे ओ मर गई होंगी ते मेरे सारा मुक जाते। जे तुहाडी जो किसी का दिल मेरे को तार गया ते बिना शक तुसी मेरा साथ छड़ दिओ। जब तक मेरे सामां साह बाकी मैं अपनी मालकन की तलाश जारी रखांगा। 15 सालां तो तेरिया खुलियां अखां किसे नूं उड़ीक रही ने। 15 सालां तो तेरी मानता तरस रही है। 15 सालां तो तू रोटी अगे रख के अपने दूसरे पुत्र का इंतजार भी करनी है। धन हौसला तेरा। उस पुत्र ने तो रोटी खाना वरे कदों आना। तू मेरे दूजे पुत्र ने तो बुला लिया जेड़ा बाहर काम पिया करता है आके रोटी खा ले। अब्बा जी मैं कदों कह के मैं नवाब का पुत्र हाँ। मैं कहना तेरी थां तेरी मां को इट वट्टा जम दिंदी ते चंगा सी। अब्बा जी वट्टा भी जमया जा सकदा सी जे मेरे जमन तो पहले बेबे पंजीरी जगह पाक सीमेंट खा लेंदी थी। तुर फिटे मुंह मेरी गल सुनो अब्बा जी वट्टे दा फायदा की सी ते जे वट्टा जम पैंदा ना ते तुसी सुड़दे सुड़दे ना जिन्ने आ सी आके ठुड्डे मार दे। शुक्र करते कर पुत्र जम पिया हुण मैनूं कोई ठुड्डा तो नहीं मार सकदा। जे कोई ठुड्डा मारेगा तो मैं साबित कर देंगा 100 सुनियार दी ते इक लोहार दी। ओए दसा ना तैनूं छड्ड भरा अजे बाल है आपे समझ आएगा। ओ भैन जनते ए बाल है नहीं अब्बा फुटबाल मार ठुड्डा। और दुध तू मेरा बदोबदी छुड़ाया मैंने ईमान अजे तक दुध पीने का शौक है।
जे मेरी मरहूमा बेबे कब्र च उठ के आ जाए तो खुदा दी कसम तीन टाइम दूध पिया, तीन तो छे, छे तो नौ, नौ तो बारह। ओए मैं तेन किथे किथे मारा, थोड़ा जा टाइम तो इथे मार ला, फिर पुआल लगे चलांगा तो फिर जाके चाचर मार लेंगी। अच्छा पुत्र तेन नहीं मारता, अपना अकबर रोटी खान तेरा नहीं आया? वो अकबर सुन ला फूफी, जिस वेले रोटी खान का टाइम होंदा कोई ना कोई काम पै जांदा, वो अपना पिंड का चौधरी नहीं, उन्हें तीर कमान बनाई तो हवेली देन गया। सलाम दी दास जी। वालेकुम सलाम। आ भाई अकबरिया, यह जी तेरा तीर कमान बना लिया। बल्ले भाई बल्ले, कारीगर तू चंगा है, किन्ने पैसे दिए तेन? पैसे कहते जनाब, बड़ा आदमी जो जो गरीब आदमी देते वही होती खुशी बन जाती। अब्बा जी मेरा तीर कमान आ गया। ओ तीर आनी, ए लोहे का तीर कमान की है, जे तू कवे तो अभी तेन सोने का तीर कमान बनवा दिए। अच्छा ऐसा कर, ए लोहार जिन्ने पैसे मंगे इनू दे दे, ते मैं जरा जमीना से चक्कर लावा। ठीक है अब्बा जी। किन्ने पैसे दिया लोहार साहब? जी 25 रुपए जी। मुक गई, आहो तीर तो तू बड़े सोने बनाए ने जी, पर एना देख लेना, ए तीर किसी गरीब आदमी थे चलाते फिरना। जिसे अपने दिल से तीर खूब गया हो गई, उन्हें किसी दे की तीर चलाना है। आहो तो आहो तीर कदों लगे सी जी? कई वरे हो गए ने, एक जालम ने मेरे दिल से तीर मारिया सी, ते उस तीर की पीड़ मैनू हले तक हो रही है, ते वो पीड़ मेरी जिंदगी बन गई है। जो तेन यकीन नहीं आता ना ते ए देख। कमाल है जी, फिर भी कदे किसी जिंदगी हुई है? तू जिंदगी की गल करना है, मैं ते अपना तन मन इस पीर दे नाल आ बैठी हाँ। आहो मैनू नहीं मजदूरी देव जी, मैं जावा। ए ले 20 रुपए ते साडी कमीशन। कमीशन का दीजी? अब तेनू मैं क्या सी कि ए तीर तेरे कोल बनवाए, पिंड च होर भी बथेरे लोहार ने। अगो तो किसी होर लोहार कोल बनवाना, कमीशन दो दिन दिन जरा कम खोटा करते ने। आहो सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी, मेरा नाम भी राणो है, मैं भी कमीशन तेरे को लेके छड़ांगी। आहो कर
तू 15 साल तो मेरे भरा की रोटी रख के इंज बनी है जिमें हमने आके मेरे नाल बह के रोटी खावेगा। तू रोज मेरे को ही गल पूछना कि मैं रोज तेन में कोई जवाब देनी हाँ। वे कदम की आवाज तो किसी और की होती है तो मैं इंज लगता है जिमें मेरा पुत्र आ गया है। चल तू बह के रोटी खा। रोटी तो मैं खा लांगा मां, पर तू अपने पुत्र की रोटी रख के कदों तक इंतजार करती रहेंगी। इन्ने साल इस समाना बदल गया है पर तेरिया अखा नहीं थकिया मां। यह समाने की अखा नहीं पुत्रा, एक बेवा मां की अखा ने। जे मां की अखा च नूर है तो मां अपनी अखा के नूर न उड़ीकती रहेगी। जे मां के दिल विच अजे तक उड़ीक है तो मां की अखा का नूर एक ना एक दिन जरूर लभेगा। मेरा दिल कहता है पुत्रा इन अखा के सामने तुसी दोए भरा एक ना एक दिन बह के जरूर रोटी खाओगे तो मैं उस तरह पखा चलांगी जिस तरह निके होंदिया चाली सा। खा पुत्रा मैं पखा चलनी हाँ। खा मेरा पुत्रा मैं पखा चलनी हाँ। खा करांगे जरा साडे सामने अख चुक के बोले। इस गरीब ने ते अख ही चुकी है ना तो तुसी ता सारा पिंड चत चुकी हुई है। ओने अपनी बारी का पानी देने तो सानू इनकार किया है ते अज असि खून नाल अपनी जमीन की प्यास बुझावांगे। एक गल याद रखियो चौधरी आ पानी जमीन ते डिगे ते सुक जांदा है ते गरीब का खून जिथे डिगे उथे जम जांदा है। नाथरिया असी निकी जी गल पिछे तेरे नाल मत्था नहीं लाना चाहते। जे तेनू अपने बाजू ते इना ही माण है ते माण किसे मैदान च पूरा कर लई। ओ मैदान ओही हुंदा बुलतलो जिथे लाके ते सण टकरा जाण। वार करो तो मैं तिनी मिंटी तुम इस मैदान तो नसा दिया। फोड़ लो इनू और तुम नस्तिया कि फड़ने। चाचे दी रब दी सो चाचा जे तू जमीन तो मैं तेरे आया सी। चलिया मैं अपने पुत्र नाराज होने देना सी भला। वे अज फिर किधरे लड़ पे? ओ मैं किथे लड़ना चाचा किसे वाले जगीरदार तो बंदा किसे गरीब तो जुल्म कर देना ना तो मेरा खून खोल जांदा। अज की होया सी पुत्र? मैं ना चाहता तो बहुत कुछ हो जाना सी चाचा। जगीरदार चरा दिन का पानी वड़न लगा सी ते मैं एक बंदे नू चंगी तरह भन्ने बंदा पुत्र जुल्म करन तो बाज ही नहीं आंदे। चाचा तेनू की होया? कुछ नहीं पुत्र कुछ नहीं, लड़ाई झगड़ा चंगा नहीं होता। और तू तो चाचा ले मेरे बाल ही समझना और मेरी बाल बड़ी चोरी आ। पता लग गया भाई साडा पुत्र जवान हो गया। अरे चाचा अपने जवान पुत्र नु 5,000 रुपये दे दे। ला ला पुत्र ला ला, मैं ते तेनु कदी भी इनकार नहीं किया। इनकार ना करी चुदराणी, 15 वर्षों तो मेरिया अखा अपनी धी पुत्र की शक्ल देखा तो तरस गई ने। कानून का झूठ तू बोलिया
ਉਹਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮੇਰੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਝੂਠ ਜਿਸ ਦਿਨ ਸੱਚ ਹੋ ਗਿਆ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਸਜ਼ਾ ਬੜੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਲੱਗੇਗੀ। ਤੂੰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟਦਾ ਰਹੇਗਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਹੱਥ ਕਾਮੇ ਦੀ ਸ਼ਾਹਰਾਹ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ। ਮੈਂ ਕਸਮ ਖਾਧੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਲੀਲ ਕਾਮੇ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਤੇ ਖਲੋ ਕੇ ਤੇਰੇ ਜੁਰਮ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਕਰਾਵਾਂਗੀ। ਚੁਦਰਾਣੀ ਜੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਮੁਕਾਬਲਾ ਵੇਖਣ ਲਈ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਜੀ। ਮੈਂ ਹਰ ਸਾਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸਾਲ ਵੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਮੇਲੇ 'ਚ ਸ਼ਰੀਕ ਹੋ ਲਈ ਤੇਰੀ ਥਾਂ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਆ ਜਾਵਾਂਗੀ। ਮੈਂ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਬਦਨਸੀਬ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਹਰ ਖੁਸ਼ੀ ਤੋਂ ਮਹਿਰੂਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਚੁਦਰਾਣੀ ਹਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਮੂੰਹ ਜ਼ੋਰ ਕੋਲਾ ਇਸ ਪੰਡਾਲ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਸ ਮੂੰਹ ਜ਼ੋਰ ਕੋਲੇ ਤੇ ਕੋਈ ਮਾਈ ਦਾ ਲਾਲ ਸਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਜਵਾਨ ਇਸ ਮੂੰਹ ਜ਼ੋਰ ਕੋਲੇ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਪਾਏਗਾ ਸਾਡੇ ਚੁਦਰਾਣੀ ਹਰੀ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਸਤੇ ਮੁਬਾਰਕ ਨਾਲ 5,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਨਕਦ ਇਨਾਮ ਦੇਣਗੇ। ਲਾਵੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲੋ ਜਾਨਵਰ ਮੈਂ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲੈਨਾ ਤਾਂ ਫੈਸਲਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ। ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਜਗੀਰਦਾਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਬਾਰ ਨਹੀਂ ਆ। ਮੁੰਡਿਆ ਜਿੰਨਾ ਤੂੰ ਬਹਾਦਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਗੁਸਤਾਖ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਤੇਰੀ ਅਦਾ ਪਸੰਦ ਆਈ ਹੈ। ਯਕੀਨ ਕਰ ਲੈ ਤੇਰੀ ਜਿੱਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਇਨਾਮ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀ ਦਿਆਂਗੇ। ਉਹ ਯਾ ਢੋਲ ਉਹ ਹੁਣੇ ਲੱਗ ਪਤਾ ਜਾਏਗਾ ਉਹ ਮੈਂ ਅਥਰਾ ਕੇ ਜਾਨਵਰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਥਰੇ। ਉਹ ਯਾ ਢੋਲ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਿਆ ਉਹ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰੇ ਤਾਂ 10,000 ਦੀ ਚੋਲੀ ਚ ਪਾ ਦੇਈ। ਉਹ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਚਾਹਾਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਕੱਚਾ। ਉਹ ਮਾਂ ਕੋ ਖੋ ਕੇ ਕੀ ਗਾਜਰ ਉਹ ਜਵਾਨ ਤਾਂ ਮਦਾਨ ਹੀ ਗਾਜਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਥੱਲੇ ਉਤਰ ਹੁਣ ਮਦਾਨ ਹੀ ਦੱਸੇਗਾ ਕਿਆ ਗਾਜਦਾ ਤੇ ਕਿਆ ਵੱਸਦਾ।
खुले खुले जानते हैं।
ਤਾਂ ਲੜਨੇ ਕੌਣ ਪੁੱਤਰਾ ਤੂੰ ਓ ਕੌਣ ਮੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਚੀਰ ਕੇ ਤੜ ਤੜ ਕੇ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ ਹੱਥ ਰੋਕ ਲੈ ਅਕਬਰਿਆ ਤੂੰ ਵੀ ਆ ਕੇ ਛੱਡ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾ ਓਏ ਮਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ ਏ दुश्मन छी सोच लगी मां कर जे तू मेरे हाथ ना फटती मैं चुंदा नहीं छता जिंदगी मौत रब के इख्तियार च पुत्रा जे वो तेरे हथों बच गए तो ये भी खुदा की रजा शामिल है चल मेरा पुत्र बह के तो रोटी खा मैं तो रोटी खा लेना वा मां तू बैठ के पखा चल तो नाले अपने पुत्र से रखे हुए रोटी वाल तक ये तेरी आदत है ना मां चलना हो मां के दिल भी नहीं समझता नी भैणा खरे के खुश नसीब ने जिन्हें दारा डाकू मदद कर दा नी सरदारा एवं गल्ला ही बनिया हुई ने दारे डाकू ने किसी धी ध्यान लिए पैसे दिते ने किसी बेवा की मदद की है दरख्तों ना तो ना पैसे लगे जेड़े वांदा फिरदा एवं गल्ला नहीं उन्हें नाल दे पिंड दो गरीब कुड़िया भी आईया ने नहीं मैं नहीं मानती इस पिंड च मेरे को वध केड़ा गरीब है बेवा मैं हाँ मजदूरी करनी हाँ जवान धी के विआह की तरीफ सिर से आ गई है तो कुड़ी ने तोड़न जोगे पैसे कोई नहीं तू की मेरे बिटे बिट पै तकना है चल रहा अलग भंडारा ने मेरी झोले च पाता रख लो पुत्र भंडारा बाबा दे गया कुछ तू खा ले तो थोड़ा जा मेले भी रख ले मां बाबा ने दारा दारा मेरी आवाज ने भी निकल दी रब का वास्ता या पे उठ पा अकबर है अकबर है मैं तो कुछ नहीं होया इस पिंड कुछ होने वाली मेरी एक गल याद रखी इस पिंड की इट नहीं इट बाजेगी वो मेरी एक गल याद रखी और बच्चे बेवा हो जाएंगे मावा यतीम हो जाएगिया प्यों के सहा गुजर जाएंगे और सौ सुनार दी एक लोहार दी पर लोहार भी बेचारा इस वेले की करे मेरा थोड़ा ही हटी च पिया और की बकवास कर रहे और की है तेनू की होया और यार डारा डाकू आ गया साढ़े पिंड लुटे रुक जा रुक जा रुक जा तेरे मुंह च सवाब का नक्सल मारी लगता चारा मुंडिया
क्यों था ना सुन के ना पिपा क्यों गए ओए किसे बहादुर प्यू का पुत्र लगना है तेरे ते गुस्सा भी आंदा है ते तरस खावरे क्यों आंदा है तरस खान वाला कदे टाकू नहीं हो सकता ए सोच के कोए तो थले उतर आए कि आज तैनू ढकन लई मेरी जिंदगी दी पहली रात होवेगी ते तेरे डाके दी आखिरी रात होवेगी डाकुआ जा चला जा यार ए मौत मारिया जाएगा आए मेरी मौत तेरे जिते गैर तो करे नहीं आ सकते मां चुंदी है तेरी तेरे जोश मारते खून ने तेनू मैं नानी दसिया के मां भी जिंदा गई ते गैरत भी जिंदा पिंड तेन उस मां दे सदके च जिन्हें तेरे वर्गा खैरतमंद पुत्र जमे दारा एहो जी मां दी गोद कदी नहीं उजाड़ना डोलन तो पहलो इन्ना ते सोच लेंदो के एक बेवा ने अपने लव नु जवान करन नहीं जमाने ते किन्ने क दुख सहने पुत्रा अपना लव जमीन ते डोलन वाले ही इस जमीन ते सदना चल फिर सकते ने मां दुख ते इस गल दा है कि ओ डाकू मेरा ललकारा सुन के भी मेरे दिल दी हसरत दिल छट गया है ऐस डाकू दी भी कदी समझ नहीं आई 15 वरे पहलों भी आया सी ते मेरे कोलों पुछन लगा तेरे पिंड च कोई उजड़ी पुजड़ी बानो ते नहीं आई मेरे कोलों बानो ता ते नहीं पुछिया तो रहना जरूर पुछिया है कि मां जिंदी है मरिया ते तो मां दे हार लोकां नु सुना लई ओना जालमां दे सामने कल्ला जुगल हो गया से ए कल्ला नहीं भैन जनते असी सारे एदे नाल आ कल्ला चौधरी जी ए कल्ला है जे कल्ला ना हुंदा ते डाकू अंदर सामने कल्ला ना गलोंदा चल जूं जो गया मां नु जिंदी जाने क्यों मारन लगा क्यों मारन भैन जनते कोई सुने साडे अकबर दी इको ललकार सुन के सारे डाकू नस गए ने हौली बोल भरा दिनो कितने उन्हें डाकुआ दा जिक्र अकबर दे कन्ना तक ना पहुंच जावे ओ डाकू नहीं मेरे पुराने दुश्मन ने पुराने दुश्मन आखो मैं भी सुन के आई हां कि 15 साल तो उजड़ी पुजड़ी बानू नू लभदे फिरदे ने इन्नी देर हो गई है पर चुतराणी ने अपनी दुश्मनी नहीं उछड़ी मां ते हाले तक अपने जिगर दे एक टुकड़े नू रो रही है ते जीवन जोखा मां दी जिंदगी दा दीवा इको फूक बजान लगा सी जे मेरे घर दा दीवा बुझ गया
मैनू इस नेरी दुनिया में कुछ नजर नहीं होना, कुछ नजर नहीं होना भरावा, कुछ नजर नहीं होना। पूछना का घोड़ा इतने काबू हो गया यार। खून बड़ा निकल गया, निकल गया। तू अपना खून दे के ऐसी जिंदगी बचाइए, तू इंसान नहीं एक फरिश्ता है, मैं तेरा किस तरह शुक्रिया अदा करा। डॉक्टर साहब ये तो मेरा फर्ज सी, यदि नस्ल तक को चले साड़ी तो साड़ी तो मुक गई। तेरा करोड़ बार शुक्र मेरी जान से बच गई है, मैं से अपने प्यू का कला कला तीस हाँ। डॉक्टर साहब तुसी मेरा केहो जिहा इलाज कीता, केहो जी दवाई प्याई जे मेरा लू लू फर्क लिया, अंग अंग फर्कदा पे। डॉक्टर साहब तुसी मेरा वादा करो जान जी। की वादा? कि जिसने अल्लाह ने तुहानू पुत्र दिता पहली बधाई मैं लैन आवांगी। अच्छा अच्छा डॉक्टर साहब तुम किडे बेशर्म किडे कूर कूर गत्ता कर रहे हो। नहीं 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 मैं किसी मर्द को अपने जिस्म में हाथ लुआ दियांगी, मैं चली हां हे छड मेरी बीनी ना मरो सलूक दे बटन ते न दो मैं ते चली हां बेकार। आई हजाम राजा जी की हाल है? आओ पाग ले की हाल है तेरा वे बिल्लू की होंदा? मैं तो बिल्ली हाँ, छिपके जावा अपने भरा नाई दे मेरिया मुछा दे साफ कर। की होया बिल्लू तेन? वो मुछा तो जान की शान है जी, तू मुछा सवाल लगाई। बेड़ा फर्क हो तेरा, तेन पता ही नहीं इस चेहरे की खूबसूरती हुसन शबाब इन्हें मुछा ने तो खराब किया है। जे अल्लाह तला इस खूबसूरत चेहरे के उत्ते मुछा ना लादा तो वो खुदाई कोई फर्क तो नहीं आ जाना। मेरी मुछा साफ कर दे, उस अच्छी तरह तेज करी, जिल्द बड़ी नाजुक नाल मक्रीम बह के लानी। चल शायद मैं क्या सुने सानू लंघ जान दियो, साडी राह क्यों डक खलोते हो? नी ए की चीज है वे, असी तेरी राह डकी कि तू साडे सामने आके खलो गए? आहो मैनू तो इंज लगता है रब ने जान बुझ के सानू एक दूजे दे सामने कर दिता। अच्छा जी, बड़ी गलतफहमी है जनाब नू। आहो निराणो प्यार नाल गल कर, तेरे भरावा बजाए। कुड़िए मैं जदो चाहवा उदो गज्जा। आराम नाल वे, पहले ही इस साल बड़िया बारिशा हुई ने, किधरे फेर ना हड़ आ जाए। भरा बदल जी तुसी साडी राह छड्ड दियो। जे ना छड्डा ते फेर तेन पता है तू गल कि कर रहे है? पिंड चौधरी जलाल दी धी राणो है। असके वही सुने बहुत घट सी पर वेख्या बहुत वधे। वे जाने की जुतियां खा के जाएगा। और सानू जुतियां कौन मार सकता है? मैं तेरी खानदानी घोड़ी लै चलिया राणो, एदे ते लाड़ा बन के आवांगा ते तेनू डोली च पा के ले जाऊंगा। वे मुंह तो तू मेरी घोड़ी नू हाथ लाए, मैं तेरे हाथ पान दियांगी। ओए मैं जदो चावा ओदो गच्चा। आए ओए मर्दा ली डट मार रहे। खबरदार कमीनिया बेहयावा, मेरे ना मर्दा ली कोई गल ना करे। वदान चुकते डट मार दन की होया बिल्लू? की दसा पाई जान, जिस वेले मैं वदान चुकनी हाँ मैंने चुक पै जी है, वंगा टुट जाने, सांस फूलने शुरू हो जाती है, मेरी तबीयत ही कहती है पाई जान कोई अच्छी जी फैमिली देख के ते किसी के हक च बह जा। की बकवास करी जा रहे? अकबरिया
तू मन चपेड़ मारी है तो मैं इंज महसूस होया जिमें मेरी मरदानगी जाग पई है तो रब दास मैं रोटी खाने जान दे जे चपेड़ का असर जायल हो गया तो फिर समझ ली मैं रोटी खाने की बजाय सारी रात रोटियां पका रहा खुदा हाफिज़ खुदा हाफिज़ अकबर अकबर खत्म हो गया कासमपुर पिंड चौधरी मेरी घोड़ी लै गए घोड़ी लै गए आहो आह फिर बड़ा ही चंगा होया साड़ी खानदानी रस्म के मुताबिक उन्होंने उसी घोड़ी से बह के आएगा तो डोली छपा के लै जाएगा अकबर तेन मजाक सुझ रहा है ते मेरी जान से बनी है आहो तानू खानदानी रस्में नी कच्ची ते छुट्टियां नहीं बनानी चाहिए जिदना इंसान की इज्जत खतरे पै जाए रस्म बड़िया ने बनाई ने ते इज्जत मेरे खतरे च है जे तू मेरी इज्जत की हिफाजत नहीं कर सकता तो घोड़ी लैन मैं आप जावगी आहो रानू पहला ही गल दस वो घोड़ी तू आप उन्होंने दिखती है या तेरे को खो के लै गया मैं जो कह रही हूँ कि वो जबरदस्ती मेरे को खो के लै गया ये गल पर मेरे पिंड की इज्जत उन्हें कुछ पति चली रहेगी जबरदस्ती बने बेजबान है इस पिंड का चौधरी जगू च है तो इंसाना भी किले नाल बन सकता है फिर अपने चौधरी आखती हो एक इंसान यहोजा भी आया सी जेड़ा अपने पिंड की घोड़ी तेरे किले तो खोल के ला गया घोड़ी ले जा तू पहला इना जरूर सोच ली इस घोड़ी का पहरेदार से फिर चला नहीं आज असि सारे दराज कंध बन के खलोते हैं ते फिर यकीन कर लो ओए कि आज मैं इस घोड़ी नू एक कंध टपा के नहीं एक कंध ढा के ले जावांगा अपने चौधरी आर गई नूरपुर पिंड का लोहार अकबर अपने पिंड की इज्जत वापस लै गया मैंने यकीन सी तू घोड़ी लेके ही आवेगा आहो साडा हुकम सी जनाब जे घोड़ी की खातिर जान भी देनी पैंदी कदे तरीक ना करता ओ सदके तैनू मन गई आहो मेहरबानी हजूर मैं छुट्टी मिल सकती है किधरे मां उठी उठी के लभन हस्ते टुर पे मेरे लिए तो तू गुआचा ही रहना बह जा हाले तो मेरे कले च ठंड भी नहीं पई आहो
जिया कोई होवे चौधरी जी मेरे को पुछो ये तो सारे एक कसुन खा के नस गए सन मैं कला ही बेहोश होने तक वो वदान वर्गे कसुन खाता रहा वा बकवास बंद करो हूं मैं वो पिंड जाके सिर ला के लियावांगा और मैं जो चाहवा उदो ही कच्चा मर गई मैं दहशत ज्यादा हो गई हाँ इन्हें मर्दन की हो गया इस सिवाय खून खराबे तो कुछ करते ही नहीं तेन पालन वाले ने यह नहीं दसिया बुजुर्गों ने गल कि करी दी बुढ़ी है मैं तेरी मसीहत सुन नहीं आया पुत्र लिया के मेरे पैर सुट दे मैं जड़ा सिर ला के लजा रही राजा खोल देना खाली बोल वे जेड़े कच दे ने ओ बसते नहीं लड़ाई दी जेड़ी पहल तू कीती थी ओ मेरे पुत्र ने कौड़ी वापस लिया के मुका दी है लड़ाई ते हुन सुन होएगी बुढ़ी है मैं खाली हाथ वापस नहीं हो जाना अपने पुत्र नु बाहर कर जेरा मेरी ललकार सुन के अंदर लुक गया जब तक वास्ता ही मैं दरवाजा खोल दे और उन्हें किसे मार दे रही बकरी का दूध पीता है फिर ना पैर ते खलोता रही वे सवाल तो मेरे नाल कीते ते जवाब हो तेरे मेरा कुत्ता ही देगा बाहर निकलिया पुत्रा ते आज जनन दस दे के तू बकरी का दूध पीता है के पंजाब की मां का मेरा वीर मैं आएगा तो मेरी तबीयत जानी मैं तोड़ा कदा
जख्मत लून छिड़कांगी जा दफा हो जख्मी नील गाय यार उस दिन तेरे ना लड़नी गर्मी सर्दी होगी थी तू आज मेरा कंधर कंध जोड़ के लड़े मैं तेरा किस्मत ना चुक जाएगा और शुक्रिया का दा और जब तू अपने दुश्मन ने तो मर जाता तो मैं बदला क्या कर रहा सी और मैं तेरे अपने थी मारा पुत्र तू किहो जा दुश्मन है सज्जन है माई तेरिया गल्ला तो मैं अपनी दुश्मनी नहीं छड़नी वे मेरे पुत्र दिया दुश्मन अवरे मैनू सज्जन क्यों लगने ओ मैं एरा दुश्मन तू मैनू अपना सज्जन ही समझ मां मां सदके मां आखे ते मां दी गल भी मन ले मेरे बिछड़े पुत्र दी थां इधर लग जाए कि रोटी खा ले मेरे कलेजे च ठंड पै जाएगी ओ जंगा खा लेना ओ तू इन्हें निकी जी गल ते रो क्यों लग पई चला तोड़ आ चला ले आ देख फुलका इधर भी उड़ गया कितने चला यार और यार नहीं दुश्मन आके पूछ तो फिर जवाब देंगे यार मेरे पुराने दुश्मन ते नवे यार मां जिंदी है तेरी और जब मेरी मां जिंदी होंगी तो फिर मैं तेरी मां का आखा क्यों मानता जिंदा रहो पुत्र रब मेरी उम्र भी तेन लावे मैं ते आवे तेरे नाल सिद्ध कर मेरा दिल करता सी तू ए दिनल बह के रोटी खावे ओ तेरे दिल दी गल तो मैं हुणे पूरी कर देना हो ओए तू दस्स
तू क्यों पूछा मां जूंदी आ तेरी ओ किड्डी खुश नसीब मां होगी जिन्हें तेरे जया दलेर पुत्र जमया है ओए अपनी मां की तारीफ सुन के मैं अपनी दुश्मनी नहीं छड़नी आ ले माई तेरे कहन ते रोटी खान लगा भुख मैनु कोई नहीं तेनू भुख नहीं ते मैनू इंज लगा 15 वर्या बाद मैनू भुख ही अज लगी ले माई असी तेरे दिल की गल रख ली आ ओए रोटी ते रख के खा ले ओ तू ना बोल मैं रोटी तेरी नहीं खादी मैं उस माई की रोटी खादी आ तेरे को ते बदला लेने लई मैं फेर आऊंगा हला रब राखा खट ला के इस नमानी की भुख फेर मार चले बिल्लू मैं पता ही की हो मैं नाल दे पिंड दा चौधरी जग्गू राणो की जबरदस्ती घोड़ी खो के लै गया सी ते साडे अकबर ने ओ फेंटा लाया ते उना कोलों घोड़ी खो के लै आया ते फिर उना कमीनिया ने पता ही की कीता साडे पिंड दे उत्ते हमला कर दिता ओ ब्रेन गन्ना चली करके फिर सामने शहीद होए वे जंगे अजीम हो गई की बकवास भी करनी कैंची दी पुत्रे चुप भी कर हाय वे बिल्लू तेरा बेड़ा गरक वे तेरिया मुछा मेरे हुसन दा निखार मुछा साफ जिस लड़ाई दी बिल्ली तू गल पे करनी है हाय मैं मर गई इस किस्म दी लड़ाई हुई कुमसान दा रन पिया तू यकीन कर अजे तक मेरा गुट पे दुखदा उच्ची साह लैनी हां ते पसले च दर्द करदी है इस किस्म दा युद्ध पिया था 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 लड़ाई हुई था डांगा चलिया मैं तेन दस नहीं सकती उस लड़ाई की वजह न उफ मेरे मौला मेरा मेदा खराब हो गया कोई चीज हजम नहीं होती मैं किसी अच्छी जगह कीमत ला चल वे की पिया बकवास करना है बिल्लू ठीक बकवास कर रहे हैं ये दूध का दूध ते पानी का पानी सस्ती लस्सी ते महंगा हानी बिल्ली जिस वेले मैं तेरी शूक की जवानी तकनी हाँ ते अपनी जवानी वाल भी निगाह मारनी है ते मैं सोच आती कि साढ़े दोवां का विआह हो जाना चाहिए आहोड़िया ठीक है ना फिर तू इस तरह कर किसी अच्छे जे खानदान का लड़का मेरे लिए तलाश कर तो किसी अच्छे जे खानदान का लड़का मैं तेरे लिए तलाश करनी है दोनों भैन आराम में किसी घर बह जाऊंगी हाय हाय बिल्लू मेरी तकदीर छड़ गई जे साडे खानदान की रस्म ना होंगी तो भावें तेरी धी मेरे पुत्र घोड़ी आप ना दिंदी असि फिर भी रिश्ता लैन आ पाना सी घोड़ी मेरी धी ने नहीं सी दित्ती चुतराणी तेरा पुत्र जबरदस्ती घोड़ी खो के लिया मैं जेड़ी गल मुका रही हूं तू गल शुरू कर रहे हैं मेरी हवेली ची तेरी धी का नाम मेरे पुत्र नाल आ गया साडे वालों गल भी मुक गई है ते रिश्ता भी पक्का हो गया रिश्ता दुआ करा दी मर्जी नाल पक्का हुंदा चुतराणी जे तेरी मर्जी ना भी हुंदी असि फिर भी जंज लेके आना सी जे तू अपने हथी अपनी धी नु डोली विच ना पाया ते असि आ कम चुके डोली च पा लांगे तू घर बुला के दुश्मनी पा रही है चुतराणी मैं तेरे घर जाके भी दुश्मनी पा सकनी हां साडे वालों 8 दिन दी मोहलत है जे तू इस हवेली च आके आप खाना की थी तो साडे बंदे तेरी धी नू चुकन तेरी हवेली अपनेंगे मुंह संभाल के गल कर चुतराणी हां जी बोल चौधरी इस हवेली च जेड़ा हिंसा बोले असि अरे सा पी लैने आ ते तेरा लिहाज इस ने किता है कि असि तेनू अपना रिश्तेदार बनाना चाहने आ Thank you.
टिक्का भी बना दे वे तेरा मेरा होना नहीं। बिल्लू सुनिया मेला लगा बड़ी रौनक ने बिच देव खावी लम्बे खावे दफा कमीन इदा शौक दिन स्कील चीजा खान का यह क्यों नहीं कहती इतनी जाके अभी इमली क्यू पाया उस बाद गोल गप्पे खावे जाए वह भी खावे थिएटर हाँ थिएटर तो मैं याद आ गया थिएटर के बीच जाके मैं हीर बंदैश का पाठ करांगी तू मेरे नाल चमची बन गई ठीक है ना उस बाद मैं इस किस्म का नचागी इस किस्म का नचागी कि इंशाला पेंडुओं के कोई ना कोई मेरे आशिक हो जाएगा मैंने चुक के लै जाएगा अपने घर जाके अपने दिल की रानी बना लेगा तू भी मिल के मेरे नाल चल हो सकता तेन कोई चंगा जहा बंदा टक्कर जाए आए सदके जावा रानी बेगम चलो चल चल अरे डाकू की गिरफ्तारी 15 साल बाद फिर अच मेरे दिले लगी मैं अपना कुछ जमला सफेद कपड़े पाक पतन शरीफ रवाना कर चुके हैं मेरी इतलाह के मुताबिक सारा डाकू हर साल उस बुजुर्ग की हाजरी देना आता मैं उम्मीद है तुम भी कानून की पूरी पूरी तरह हिफाजत करोगे और अपनी ड्यूटी पूरी तरह अंजाम दोगे और पुलिस उस वेले मेरे पीछे लग गई थी जिस दिन मैं जगीरदार हाशम नु कतल किया जब तक मैं अपनी मालकन नहीं लभ लेंदा पुलिस मनु नहीं लड़ सकती साथ तेरा उससे जाना ठीक नहीं सरदार पुलिस दे बेशवास पाई सफेद कपड़े था था पैरा दे रहे ने और पुलिस का काम में पैरा देना ये मेरा फर्ज उस मजार पे हाजिरी देना कानून अपना काम करे तारा अपना फर्ज अदा करेगा जे गल है सरदार तो फिर असी सारे भी तेरी फातली तेरे नाल चलांगे सारा हर साल उस मजार से हाजिरी देन कला चाहता सी आज भी कला ही जाएगा मेरा सच्चा पीर मेरी मौत नू उस वेले तीकर डक के रखेगा जब तक मैं अपनी गुआची हुई मालकन नहीं लभ लेंदा मजार से कोई हगामा करने की कोशिश ना करी इस पाक अस्थी के पैरों के सदके दारे नु गिरफ्तार करने का सिर तेरे सिर बचे और मेरे सिर वाल ना वेख मेरे चेहरे वाल तक मैं पहचान मैं वही गुलाम अहमद थानेदार हाँ जिन्हें आज तो 15 साल पहले तेन गिरफ्तार किया मैं तेन पछाड़ लिया पुराने थानेदार नवे साहब बादरा अज तो 15 साल पहले मैं तेरे को जालम दे जुलम नु रोकने लई थोड़ी जी मोहलत मंगी सी ते तू इनकार कर देता सी ते मैं तेरे पैरे दियां उच्चियां कन्ना तोड़ के नस गया था पर आज मैं तेरे को थोड़ी जी मोहलत सिर्फ फैसली मंगांगा कि मैं इस बुजुर्ग दे मजार ते हाजिरी देन आया मैनू अपना फर्ज पूरा कर लैण दे जे अज फिर तू इनकार कीता ते इसे बुजुर्ग दे पैरां दी सोए मैं तेरे कानून दिया उच्चिया कंधा इस तवारी तार तब जाऊंगा सरदेनू तारिया मैं तेरे फर्ज रस्ते जे दीवार नहीं बनांगा पर एक गल याद रखी जे तू मेरा फर्ज तोड़ दिता ते इथों जिंदा बच के नहीं जाएगा पाक बदल दावाली जग विच शक्कर गंज सदावे बड़े मुकद्रा वाला इत्थे हाजरी दे मन आवे सारे रोग मिटावे
दुखिया की सुन ले पुकार बाबा फरीद सरकार, दुखिया की सुन ले पुकार बाबा फरीद सरकार, दुखिया की सुन ले पुकार बाबा फरीद सरकार, उचारा रा पाक बलिदा कर दस देरा बिरद अलीदा, कर दस देरा बिरद अलीदा, पक्का जानू ठुकरा के इश्क नबी विच तन मन लंगया, सब कुछ मनया नाम मोहम्मद जानन होया जिगरों लंगया, उच्चारा दा पाक बलीदा कर दस देरा बिरद अलीदा, साबर ते गम खार बाबा फरीद सरकार, साबर ते गम खार बाबा फरीद सरकार, उन नबी दना डंका बजान वाले फरीद, फर्द सारे हनेरे मिटाउन वाले फरीद, खुदा दिला को हर शै लुटाउन वाले फरीद, माने आदम कद्दर जगाउन वाले फरीद, सोना अपना सब कुछ लुटाउन आया सी, जिन्ने जालिम दे ज़ुल्म तो डर के फिर चुकाया नी सिर कटाया सी, जानदे ते ओ जान पीता सी, जिन्ने इस्लाम जिंदा कीता सी, दिल विच सी अरमान कदीदा, दिल विच सी अरमान कदीदा, वेखां तेरा बाबा फरीदा कस दे दिल दार बाबा फरीद सरकार, कस दे दिल दार
आप बादर अपने सिपाहियों को हुक्म दे के बंदूक सुट दे। इसलिए कि मैं नहीं चाहता कि पुलिस मुकाबला हो। मेरी पुलिस नाल कोई दुश्मनी नहीं। ते रहा सवाल मेरी गिरफ्तारी का, मैं पहले भी आख चुका हूं ते आज फिर आख रहा। दारा जदों अपना फर्ज पूरा कर लेगा अपने आप नूं आप कानून दे हवाले कर देगा। बंदूका सुट दे। मेले चो आई गुआची पई है। हैरान भी थी गल लोकी मेले तो कुछ लभन जाते ने ते गुआ बैठी है। नी सियाने कहंदे ने कदी कदी कुछ लभन वास्ते गुआचना ही पैंदा है। शादत शबो दी बच्ची हो तुसी बाहर आना कि नहीं? अच्छा जे तुसी बाहर ना आईए ते फिर बेचारी फेर गुआ जाएगी। शादो हां 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 चलनी शादो चलिए। जद जवानी च कुड़ी गुआच जावे ते फिर उन्हें तनहाई चाहिए। आहो तनहाई से गुआच के कुछ ना कुछ लाभ भी पैदा है। गल ले वे धी राणी, रुद्राणी दी दित्ती मोहलत दा अज आखरी दिन है। फिर तू की सोचे पा? मैं ऐ सोचा कि तेरी डोली हाशम दे पिंड टोर दिया। जे मैं इनकार कर दिता धी राणी तो फिर वो मेरी धी चुकन लई बाहर लैके इस पिंड च आ जाएगा। तो जे वो बाहर लैके इस पिंड विच आ गया तो फिर इस पिंड के जवानों की गैरत जाग पैगी। तू बेशक मैनू सुहाग का चोड़ा पवा के डोली च बिठा दे रही पर अपने पिंड की इज्जत बचाने लई मौत तक कफन मैं आप पालंगी। आहो मैं अपनी धी नूं मौत दा कफन कदे नहीं पान जांगा, कदे नहीं पान जांगा। चौधरी जलाल दा कोई सुनिया नहीं आया? नहीं जी अजे तुरी ते कोई सुनिया नहीं आया। अनु दित्ती होई मोहलत दा अज आखरी दिन है जी। मैंने तो उहदे वल्लों साफ इनकार लगदा जे। ओ इनकार करन दी जरूरत किस तरह कर सकदा है? असी उहनूं उहदे घर ते अपनी इस हवेली दा फासला चंगी तरह विखा दित्ता सी। ओ इस हवेली वल अख चुक के नहीं देख सकदा पर साढ़े हाथ उसके गिरेबान तक पहुंच सकते ने। चौधरी जी तुसी आओ आओ बैठो तन पास साढ़े तुसी साढ़े घर आए हो। चौधरी जी सलाम है। वालेकुम सलाम भाई। चौधरी जी तुहानू अज इस गरीबनी का घर किवें याद आ गया? अज तेरे कोलो वध गरीब बन के आया भैन। मेरे कोलो वध गरीब बन के आए हो? आहो जदो धी दा प्यो मुंडे दी मां कोल आप चल के आ जाए ते ओदे कोलो वध गरीब होर किहड़ा हो सकदा है। चौधरी जी मेरे कान धोखा खा रहे ने। की अखा? धोखा ते मेरियां अखा खा रही सन भैन जनते। मैं चौधरी ने एक प्यू बन के अपनी धी दा रिश्ता तेनू आप देन आ गया वा ते तू पुत्र दी मां बन के हां कर दे। पुत्र दी मां इस रिश्ते उत्ते उन्ना ही खुश है जिन्ना एक मां नूं होना चाहीदा है। पर आखिरी फैसला मुंडे का मामा करेगा जिहड़ा इस घर का मालिक है। इनकार ना करे भरा तेनू मैं बड़ा ही मान लैके आया। ओए मामा साडी किस्मत दा फैसला तेरे हाथी। रब दा वास्ता इनकार ना करी नहीं तो दा पट्टा बह जाएगा। मेरी गल का जवाब नहीं दिता भरा तेनू? मेरा मतलब जवाब अब्बा जी ने की देना? जवाब तानू मैं देंगी कि मैं अपने वीर नू आप सजा बना के अतर ला के क्योड़ा ला के लहरा बना के लियावांगी। जवाब थोड़ा एक सौ एक रुपये लाँगी एक पैसा घट नहीं लाँगी। अच्छा अच्छा चाची जी तुम बेफिक्र होकर घर जाओ जाके ढोल के रखो। अल्लाह मेरी हयाती रखी जिंदगी रखे। मैं रोज आवांगी आके डांस करांगी गाना गावांगी। कंधा डोली नू दे जा वीर वे मैं तेनू हजम नहीं होनी खीर वे। ओए तू बकवास बंद करने की नहीं पत्या पुत्रा ये विच की शक है। तू जानना कि मैं लावा चित्र? अब्बा जी चित्र लाने तो पहले तो सोच लिया करो कि जवान पुत्रा सदा इतने नहीं रहना
जे मुंडे की मां रिश्ता पसंद है तो मैं की इनकार हो सकता है। तुम व्याह की तारीख आपे ही दस दौ, असी पुत्र सिरा बन के हाजिर हो जावे। खुश कर दिता भरा जी ने। ओए मामा शिकार पाई कमीने, खुश तू हो सदमा मेरे दिल में पहुंचे। बिल्लू कमीने व्या तेरा राम न हो लगे, जफिया मैनू पान दे। मैनू पता तुम मर्द लोग होंगे बेवफा, मेरे जज्बात का कोई ख्याल नहीं करते। मेरे सीने च भी दिल है कमीने, शो व्या कितने जा रहे हैं। अकबर तेन मजाक सोचा जी, ते साडे ते क्या मत टूट पई है, तू बेखबर है। सानू मैं तेन खुशखबरी सुनाने आया, सुनेगी ते खुशी ना नचन लग पाएगी। वे जड़ी खबर तेन मैं सुनान नहीं आई हूं, वो सुनेगा ते सारी उम्र रोवेगा। आहो अब्बे ने मेरी शादी हाशिम खान के पुत्र जगू नाल तय कर दी है। अच्छा तेरी शादी चक्कू नाल तय कर दी? आहो पर तू बेफिक्र रहो, मैं ये शादी करन तो पहले जहर खा लांगी। नहीं रानो, प्यार कोलो वद मां प्यो की इज्जत ज्यादा प्यारी होंदी है। जे प्यार दा ना उच्चा करना है ते फिर हीर वांग डोली च पै जा। जे ऐ क्यों नहीं कहंदा कि मैं कब्र च पै जावां। आहो सोनी है तू कंडियां ते तुल जा, जा चढ़ जा डोली नी, जा चढ़ जा डोली, जा चढ़ जा डोली नी, जा चढ़ जा डोली। थले भी तू गलियां दे कखां वांगू रुल जा, जा चढ़ जा डोली नी, जा चढ़ जा डोली, जा चढ़ जा डोली नी, जा चढ़ जा डोली। प्यार मेरा भुल जा, जा चढ़ जा डोली नी, जा चढ़ जा डोली, जा चढ़ जा डोली नी, जा चढ़ जा डोली।
कदी भी पेश नहीं उचली तेन प्यार कवे पानी वांगू डुल जा जा चढ़ जा डोली नी जा चढ़ जा डोली जा चढ़ जा डोली नी जा चढ़ जा डोली जा चढ़ जा डोली नी जा चढ़ जा डोली तेन मेले च तकिया सारा कुछ हुआ मैं जानी मेरा कोई ना कोई आशिक मेरे मगर जरूर आएगा जो तुम सही जवारी हो देश बेदाग हीरे की पछाण जरूर करना जे तुसी मुंदरी दे विच नाग नहीं लाया ते रब दा वास्ते जे इनफिट करा लो तो ए मेरी जान असे ते तैनू अपने दिल दी राणी बनाना चाहने ठीक है ते फिर ए गल है ते पहले मैनू हाकमे दा रेट दसो किधरे 32 रुपए आठने ते 6 पाई ते मैंने तो फाड़ ओए नहीं मेरी जान मैं ते सारियां जगातां तेरे नाल आ देंगा सच आहो इसरा नहीं पहले जंज कट्ठी करो कलांटा वाले नु बुलाओ मिलिट्री दा बैंड होवे पिछे तोपा आउन 3-4 पिंड फना कर दे मेरे तक अपनी चिट्टी कौड़ी ते बह के ते फिर आके इस मासूम जिस्म नु हाथ लाना ओने देर तक ए जिस्म तुहाडी अमानत रहेगा कोई करोड़ा रुपये भी मेरे कदमे टेर कर देगा ते मैं नहीं विकांगी नहीं विकांगी चंगा पुत्र मैं फिर चलना ओ किन्ने किन्ने दिन ते आउंदा ही नहीं चाचा जे किसे वेले हो ही जाना ते घड़ी तो घड़ी बह के टुर जाना निक्के हुंदिआं तो जोन आउण ते तू साडे नाल इक रात ही नहीं गुजारी ओ गल जरूर जिहड़ी तू साडे कोलों लुकाई होई आ नहीं पुत्तर मैं ते तेरे कोलों कदी भी कुछ नहीं लुकाया पर मैं रात इत्थे रह नहीं सकता एड्डी कड़ी गल है चाचा पुत्तर ना ही मैं तेनू समझा सकना वा ते ना ही तू समझ सकना है आहो मेरी अकल जो मोटी होई तो ही तेरी गल मेरी समझ च नहीं आ सकती पर चाचा अपना घोड़ा मैं दे दे एक जानवर मैं बड़ा चंगा लगता है लैला पुत्र एक घोड़ा देखी मैं तेरे लिए 1 लाख घोड़े लिया सकना रब राखा लो गई मरदा तेनू तो पता ही है तेरे मालक का घर किथे अज सानू भी उथे ही ले चल अज मैं इस गल का पता करके ही छड़ांगा कि चाचा रात नू रहिंदा किथे आ अज सरमायादार तेरे कोल बच के नहीं जा सकता चाचा
ताने की गल सुनना चाहना। सुन पिंड के जगीर मेरे प्यो न कतल कर दिया। मैं उस जगीरदार चाना मुका दिता सी। मैं अपनी मालकन तेरे भरा कासमपुर पिंड चो कढ के किसी महफूस जगह से पहुंचाना चाहता सा, पर बेरहम तकदीर ने मेरे को पता लग गया तू बगैर भी है। मैं घर ना तो चुके मेरे दुश्मन तुझी गलता पता नहीं गुस्तल है बाजार आकर अपना बदला ही पैन का टबट्टा ला के नहीं दुश्मन की पग ला के लेते रात के नेड़े जिस धरती से तू डांचा मारे है सूरज निकलने से पहला ऐसे तो अपनी कार वापस जाएगी। ओए ओए ना ते अपना घर वापस नहीं हो जाना।
पर तेरी लाश जरूर कर जाएगी। तेरी हाथ से चक्र देख के इंज लगता है तू इतना प्यार कर रही है, पर देख कल शायद रखी मुटियारे छेड़ी मुटियार माँ प्यो की इज्जत खेड़ के छोरी न खाती है, अनौती से सारी जिंदगी खेड़ता रहता है। जो तुम्हें प्यार करता है तेरे चेहरे बन के तेरे पिंड जरूर आएगा। मैं जिथे लिया उठे ले जा, क्योंकि जिसम से लगे फट वेख के पिंड का कोई बंदा किसी भैन के दबटे हाथ ना पावे। चला पैना तेन पा चला घोड़े काठिया पा लो तो मेरे पिछे लग जाओ, मैं पिंड छान मारांगा जिस पिंड के बंदे ने तुरंत की है मैं उस पिंड को मार के साफ कर दिया। और मेरे पुराने दुश्मन ये मेरे हाथ तो मेरी बहन वापस ले गया, तो जूना वापस नहीं जाएगा, तेरी ये तो लाश ही जाएगी। तेरी मेरे सीने च मार, तूने मेरे घरों बाहर अपनी जान से खेड़ के मेरी इज्जत बचाई है, मैं उन्हें अपने घर की दलील से मरदा नहीं देख सकती, नहीं देख सकती। बंदूक नहीं कर ले पुत्रा, तू कौन मुंडिया? पंजाब का एक पुत्र, पंजाब की धी की इज्जत खतरे में सी, तेरा धी इज्जत बचाना मेरा फर्ज सी। तो सुन ना सगीर दारा, तू दौलत मंदे ते मैं गैरत मंदा, ते मेरी गैरत का सबूत तेरी भैन ने दिता है और तेरी दुश्मनी मेरी गैरत तुझे मैदान च लगेगी, उस मैदान तेरे सामने हाथ लगा तेरे घर ही जाके मैं ललकारने वाला बच के किए जा सकता है। हाथ रोक ले जग्गू, यह जय बहादुर नु पिछो गोली नहीं मारी दी, इन्हें साड़ी धी की इज्जत बचाई है ते असी अपनी धी नु एडी गैरत बना देंगे, असी कल सवेरे आप अपनी धी का रिश्ता लेके एडे कहा जावांगे। ओए मैं खून की फजत करने लई तारा डाकू बनया जिन्हें तो खून डोलिया, ओए मैं उन्हें मार के ओदी लाश ओदे पिंड दे चौराहे ते टांग देंगा। तेन चानो मार देंगा बदला मैं आप लवांगा चाचा, मैं कसम खाधी हुई है मैं अपने घर के पिछे बन के पूरे नूरपुर पिंड च पुराऊंगा। मूह सौर मुंडे फड़ के बंद हो नूरपुर पिंड,
अकबर लोर। ओ आहो आइश, मेरा नाक बरे। ओ लोरा, अरे डाकुआ, पत्थर ते जख्मन देख के तैनू ये अंदाजा नहीं होया कि मैं एक गैरतमंद हाँ। ते गैरतमंद की मौत तेरे जे बेगैरत दे पक्का दी नहीं आ सकती। ओए मुंडिया, उस दिन मैं तेरे नाल जबान नाल गल कीती सी, अज मेरी हत्या का गला कर दे। ओए जिस तरह मैं तेरी जबान बंद कर दीती थी, अज तेरे हत्या नाल भी हत करिया बात जांगा। ओए ओ लास टप गईया जिदे हनेरे च मैं तेन जिंदगी दी भेज दीती सी। ते फिर ओ दिन चढ़ गया ही और डाकुआ जिदे चानन विच मैं तेन कबरदार नेरा बका दियांगा। अच मैं अपने बुद्धे हाथ इसे जान लग जाने ने। इन्हू ना मारे। मालकम ये कामयाब तू बदल वाली हर बुराई नू मैं तमगे पढ़ा के अपने बदन से सजांदा रहा। मैं नमक हलाल नौकरा मालकन, नमक हराम कदी नहीं। छेती नल दास, मेरा पुत्र किथे वे ते किस हाल इचे? तेरा पुत्र खैर खैरियत नाले मालकन। गामा चाचा ने क्या हुंदा ते तू सानू बड़ा ही प्यार करना थे, प्यार सानू मरण लई आ गए। पहलो मैं अपनी मालकन की अमानत वापस ले आवा, तेरे को वापस आके माफी मांग लांगा। यार मैं घर जाके साढ़े दोनों की रोटी रखनी हाँ। शामा जी, आज 15 वर्ष बाद मेरे दोनों पुत्र मेरी अखा सामने बह के रोटी खाएंगे। अकबर लोहार का घर के पहला तेरे बोल के तू रोटी है और अकबर लोहार का घर है। अकबर की मां नूं मिलन आया। तू अकबर की मां नाली गल कर रही है? तू अकबर की मां है ते मैं कासिमपुर पिंड की चुदराणी हाँ। मैं तुहानू चंगी तरह जाननी हाँ चुदराणी जी, तुहाडे वर्गे लोकां नूं कोई किस तरह भुल सकता है? जे पछाण ही लिया ते फिर मेरी गल का जवाब सिर चुक के दनी। गरीब जवाब देन लग्या अपना सिर नीवा ही रखते ने। इस दिन गरीब ने सिर चुक लिया, उस दिन गरीबी ते अमीरी दा फर्क मुक जाएगा। ऐसे फर्क नु मुकान ली असी तेरी मां बन के तेरे को लाए। तेरे पुत्र ने साडे तेरी साडे दुश्मना को बचाई है ते असी सोचिया है अपनी इज्जत तेरे पुत्र दी गैरत बना दी है। पुत्र दी मां बन के मेरे वल मुंह कर ते मेरी गल का जवाब दे। जे मैं मुंह तुहाडे वल कर लिया चुदराणी जी ते फिर है रिश्ता कयामत तक नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? असी ऐसे कह के आए ते फिर दस चुदराणी पुत्र दी जंग कदों लेके आवां? बरातियों के हथा विच हार हो या बंदूक वरी दे जोड़िया विच कफन दे किन्ने जोड़े रखा बानो चली जानी खाली
ते मेरे 15 वर्या दे पुराने पट भी नहीं उपरे जीवन दे निकल जानी ए टिंडो ये मेरे पुत्र नु पता लग गया तेने टेंडो जिंदा नहीं छड़ना नहीं मैं ते अनु ए भी नहीं दसिया कि ओदे प्यो नु तेरे सिर ते साई ने कत्ल कीता सी नहीं मैं ते अपने पुत्र कोलो ए भी लुकाया होया ते मैं तेरे जुलम दा शिकार हो के रात दे अंधेरे विचो अपने पिंडो नंगे सिर नच्ची सोया नहीं पैरा ते खलोजा चित्रानी है मेरी मां तेरे जुलम दा शिकार हो के तेरे पिंडो रात दे अंधेरे विच सिरो नंगी नसी सी मैं तेनू नंगे सिर दिन दे चानन विच तेरे पिंड लवांगा अकबरिया मां सदके एनू खुज न कवी पुत्रा मां तू सारी जिंदगी चुप रही है ते अज भी ये सोच के चुप हो जा कि अज तेरे खून ने जोश मारे है अज तेरे पैरों विच इस चुदरानी का नंगा सिर इतने पिंड वाले विखावगा चुदरानी अपने सिर तो टपट्टा ला देनी अज अपना नंगा सिर तू कर ले ते बेवला तेन मैं कर देंगा टपट्टा ला दे ले चुदरानी Ah!
मैनू तेन की होया मेरे पुत्र ने बचाया मैं कितना खून भाग गया हाँ नहीं अबा निकल जान दे इस खून न जे मेरे जिस्म दे विच रहिंदा ते मैं सारी उम्र वधाइयां मंगनियां सन ते तू अब्बा ढोलकी वजानी सी मां मेरा पुत्रा हाशम 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 तू किथे रे मैंने अपना फर्ज पूरा कर दिया खबरदार है न कभी कोशिश न करी ओए चौधरी हाशम की लाश ये 15 साल पहले कतल हो गया सी आहो साहब बहादुर आज तो 15 साल पहले मैं दे कतल के इल्जाम नसया था ते तुसी मेरे पीछे लगे सो आज मैं अपना फर्ज पूरा कर लिया ते तुसी भी अपना फर्ज पूरा कर लो मालकन अज मैं तेरे रस्ते दे सारे कंडे साफ कर दिते ने एन छेती ना अस्पताल ले चलो इहदा खून बड़ा जाया हो गया चंगा खून कदी जाया नहीं होंदा साहब बहादुर अज मेरा खून मेरे वतन दी जमीन ते डिग के ए साबत कर देगा कि खून महंगा ते पानी सस्ता होंदा जिन्ने जालिम दे ज़ुल्म तो डर के सर चुकाया नी सिर कटाया सी दिल विच सी अरमान कदीदा देखा तेरा बड़ी दा देखा सिद्धे दिलदा